आगरा में थैलेसीमिया सोसाइटी के द्वारा एक निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे 138 लोगों ने निशुल्क थैलेसीमिया की जांच कराई। आगरा में कमला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पर लोकहितम थैलेसीमिया सोसाइटी की ओर से रविवार को 2 दिवसीय नो मोर थैलेसीमिया कार्यक्रम का समापन हुआ। निशुल्क थैलेसीमिया शिविर की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, अध्यक्ष प्रेम सागर अग्रवाल, महामंत्री अनिल कुमार अग्रवाल, चेयरमैन अशोक अग्रवाल, निदेशक अखिलेश अग्रवाल एवं संयोजक रोहित अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर की। समापन पर निशुल्क HLA-2 के 111 सैंपल डॉक्टर शांतनु सेन, डॉक्टर जूही मेहरोत्रा एवं ज्योति टंडन द्वारा एकत्रित किए, जिसे DKMS की जर्मनी लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया एवं तौलानी सेवा संकल्प महाराष्ट्र के द्वारा HBA-2 थैलेसीमिया जांच के 138 सैंपलों को एकत्रित कर मुंबई भेजा। शिविर में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर शांतनु सेन ने कहा कि किसी थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे के माता पिता अपने बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कदम होता है बच्चे का HLA टेस्ट। सिर्फ इसी टेस्ट के आधार पर ही थैलेसीमिया के स्थायी इलाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग का डोनर ढूंढा जा सकता है। संयोजक रोहित अग्रवाल ने कहा, थैलेसीमिया रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसकी प्राथमिक स्तर पर ही जांच करवाने पर इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। शिविर में आई करिश्मा सत्संगी कहती हैं, हमारी लाइफ बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं। काश मेरे माता पिता ने शादी से पहले HBA-2 की जांच करा ली होती तो मुझे ये रोग न होता। 15 वर्षीय ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि हमारी सामान्य बच्चों की तरह ग्रोथ नहीं होती। 30 वर्षीय अर्जुन का कहना था, मुझे हर 10 दिन में 2 यूनिट रक्त चढ़ता है। 20 वर्षीय दिव्यांशु कहते हैं कि मेरे शरीर में आयरन बढ़ जाता है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मैं डॉक्टर शांतनु सेन हूँ, आपका शहर आगरा में आए हूँ बॉम्बे से, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से। मैं अंबानी हॉस्पिटल में बोन मैरो का डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों का कैंसर, बच्चों का खून का बीमारी का इलाज करता हूँ। आज यहाँ पे आपका शहर में मैं HLA टाइपिंग कैंप में आया हूँ कि थैलेसीमिया का जो बच्चे है उसको सही तरह से पूरा क्योर करने के लिए, पूरा ठीक करने के लिए एक ही इलाज है, वो है ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और उसी के लिए पहले वाला जो टेस्ट जरूरी है वो है HLA टाइपिंग, और वही HLA टाइपिंग आज यहाँ पे फ्री में हम कर रहे हैं। करीबन एक, मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है, लोकहितम थैलेसीमिया सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ और लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा संचालित यह सोसाइटी आज थैलेसीमिया के टेस्ट के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में बॉम्बे धीरूभाई अंबानी रिलायंस हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट और डॉक्टर्स वगैरह आए हुए हैं सभी लोग, और यहाँ तोलानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उनके सहयोग से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें HBA-2 और HA-1 टेस्ट जो है किए जा रहे हैं, और ये टेस्ट करीब 15,000 से 30,000 रुपये का होता है जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। इसके बाद अखिलेश अग्रवाल, डायरेक्टर लोकहितम ब्लड बैंक। बच्चों में एक थैलेसीमिया नामक बीमारी पाई जाती है, वो बच्चे जब तक जीवित रहते हैं जब तक उन्हें ब्लड चढ़ता रहता है, उसका एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो उस इलाज के लिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट जिसकी कीमत 1500 रुपये के करीब आती है और एक टेस्ट जिसकी कीमत 15,000 से 30,000 रुपये आती है। उसके लिए हमने महाराष्ट्र में कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल से डॉक्टर सेन, जिन्होंने 300 अब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन किए हैं, उन्हें बुलाया है। ये सारी जांचें निःशुल्क हो रही हैं और जिन बच्चों के बोन मैरो मैच हो जाएंगे ऐसे बच्चों का कम खर्चे पर मुंबई में ट्रांसप्लांट कराया जाएगा।